हेलो नमस्कार, जय माता दी सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी हम पहुंच गए हैं नोएडा, और नोएडा मैं तो आई हूँ वैसे पहले, मगर मेरी फैमिली ये पहली बार आई है, मतलब अर्पण और उसके पापा तो शायद पहली बार ही आए हैं नोएडा। तो नोएडा हम क्यों आए हैं ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल में लास्ट तक। और अभी हम रुकेंगे मेरी फ्रेंड के घर। तो जी सारे रास्ते तो हमने फ़ोन पे लगा रखा था गूगल मैप, इसलिए रास्ते में तो मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई, नोएडा में एंटर करके ही थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मेरी फ्रेंड के घर पे हम पहुँच गए हैं, गेट पे पहुँच गए हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड अभी हमसे पूछ रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, और अभी मैं फ्रेंड से कर रही थी फ़ोन पे बात, मगर मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी में सॉन्ग्स चल रहे थे, सॉन्ग बंद नहीं किए थे और पीछे कॉपीराइट आ जाता। तो वो मुझे फ़ोन पे बता रही है रास्ता, वो भी आ रही थी वैसे नीचे लेने के लिए अपने घर से। तो अभी हम नंबर देखते हुए आगे चल रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से वो बुला भी रही थी, तो हमें काम है नोएडा में कुछ, इसलिए नोएडा आए हैं। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये नोएडा का सफ़र। तो ये फ्लैट्स हैं यहाँ पर, बिल्डिंग्स हैं। तो गेट के अंदर आ गए हैं हम। लो जी आ गई मेरी फ्रेंड। हेलो, वो बैठ गई चेरी कहाँ पहुँच गया? अच्छा ये पहुँच गए। हेलो, तो चेरी तो खुश हो जाएगी, तो दीदी देख के चेरी दीदी मिला, ये चेरी लड़कियाँ थे यार, आप इसका दिमाग मत खाते। चेरी कौन है ये? ये कौन है? कौन है जी? कभी रोती नहीं है क्या ये? क्या ये कभी रोती है? डिनर हो गया, बच्चों की मस्तियां चल रही है, और देखो चेरी की मस्तियां चल रही है। जोर से नहीं बोलती मैं, जोर से बोलना पड़ता है। नो, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है व्लॉग में। कैमरा टूट जाएगा बेटा, अभी न्यू फोन टूटने दो। क्यों टूटने दो? क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हो स्पेशली इसको, ये देखो। तो जी डिनर वगैरह हमने कर लिया, उसके बाद हस्बैंड को तो आ गई थी नींद, और बच्चों की हो गई थी फ्रेंडशिप, ये कर रहे थे मस्तियाँ, अभी सो नहीं रहे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम पहुंच गए थे रात में नोएडा मेरी फ्रेंड के पास, अर्पण का भी कॉम्पिटिशन है, और अभी 10 बज रहे हैं, और ये देखो पीछे कितना फोग, कितना ज़्यादा है यहाँ पर भी। और हम हैं अभी 10th फ्लोर पर, हमें वो नीचे यहाँ पे भी ऐसी ठंड है और इतना ज़्यादा कोहरा छाया है बाहर। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है नोएडा का हमारा ये ट्रिप, अर्पण का कैसा रहता है टूर। तो फिर चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो चेरी बिना नहाए धोए ब्रेकफास्ट करने बैठ गया है। चेरी हो गया ब्रेकफास्ट, बस चलते हैं अब। प्लेयर हमारा गायब है पता नहीं। ये है मेरी फ्रेंड रिचा, हम मिले हैं रिचा। देखो बेचारी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही है, और बाहर मैंने दिखाया कितनी ठंड है। और ये हमारा प्लेयर, हम मिले कितने काफ़ी सालों बाद। ये देखो बिल्डिंग, ये देखो लेफ्ट में, एक साथ ही चलो लेफ्ट में। आई डोंट नीड वाईफाई। चलो वो लेट हो गए, अब हम जा रहे हैं। चले हम, अर्पण लुक एट हियर, चेरी लुक एट हियर। ये तो दिख नहीं रहा, एक बच्चा, ये प्यारा बच्चा कहाँ है? ये प्यारा बच्चा बहुत शर्माता है।
चलो जी लिफ्ट में हम भागे भागे जा रहे हैं अभी। अर्पण अपना बैग ही दिखा रहा है। चलो लेट्स गो, मिलते हैं आगे। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। ये है जी कुछ, ये हम पहुंच गए टूर्नामेंट पे। ओपन ही है यहाँ पे भी, ओपन ही है। ये लिस्ट अर्पण चेक, चेक योर लिस्ट। चलेगा ना मोबाइल ठीक है, रिक्शा कहाँ है इधर भेज दो उसको। ये हम पहुँच गए, तेरी लेते साथ में। वन एक्सक्यूज मी, एक हॉल अंदर था और ये बाहर। ये वो लगे हैं टेबल नंबर, बाहर देखते हैं क्या क्या है और थोड़ी देर घूमते हैं फिर वो बोल रहे। ये देखो ये कर रखा है डेकोरेशन, और फोटो खींच यहाँ पर थोड़ी सी ऐसा है ओपन में। ये है सामने ये सब वैसे ही कर रहे हैं भाई। फोटोग्राफर बन गए हैं, इन्होंने हमारा भी लिया होगा पूरा। तो आपको नोएडा दिखाते हैं। ये देखो बिल्डिंग कितने फ्लोर तक के, ये 19 फ्लोर हैं और हम हैं अभी 10वें फ्लोर पर। तो भाई हमें तो मुंबई वाली फीलिंग हो रही है यहाँ पर भी। मेरे फ्रेंड के घर पे मिले भी हम 8-9 साल बाद हैं। लो जी आपको भी मैं मुंबई वाली फीलिंग करवाती हूँ, मेरे साथ आप भी घूम लो, मुंबई वाली फीलिंग ले लो। लो देखो डर लगेगा इतने ऊपर से नीचे देखने में। वो देखो ये देखो ये नहीं मेरी साइड है कैमरा। वो देखो और थोड़ा ठंडा ऐसा ही है यहाँ पे भी, धुंध वाला मौसम करनाल की तरह ही है। मैं इतनी धीरे बोल रही हूँ ना मेरी आवाज़ नहीं आएगी इसमें, मुझे माइक लगाना पड़ेगा। अभी माइक चेक करना लेके तो आई हूँ पर मैंने उसकी सेटिंग चेक नहीं की है, साउंड कम आती है फिर बाद में भी। अभी दिन में देखो चेरी सो गई है, 2-3 घंटे से सो रही है क्योंकि ट्रैवल करके भी थक गई थी रात में। तो जी हम आ गए थे मॉर्निंग में फर्स्ट राउंड के बाद ही 12:30 बजे तक घर पे, मेरी फ्रेंड के घर पे। और चेरी को बहुत नींद आ रही थी, चेरी सो रही है और अभी 4 बजने वाले हो गए हैं और वो अभी तक सोई है। मैं फिर 1 घंटा रेस्ट करके उठ गई थी एडिटिंग करने के लिए, मैंने कहा चलो टाइम मिल रहा है अभी सोई है तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। और बाहर देखो धूप निकली है तो मज़ा आ रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ रही थी अंदर, काफ़ी दिनों बाद धूप देखी है। और फ्रेंड भी मेरी थक गई थी, लेट ही सोए थे रात में भी, तो वो अभी रेस्ट कर रही है और बेटी उसकी खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ। तो जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं मगर लाइक तक नहीं करते, और 90% से ऊपर लोगों ने सब्सक्राइब तक नहीं किया है। तो जी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चे के साथ वीडियो शूट करना, एडिट करना, बनाना।
तो आप प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दें। जिसे समझ नहीं आ रही है, मेरा नंबर पर्सनल है, मुझे जानते हैं, तो आप मैसेज कीजिए प्लीज़। कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रही है कैसे सब्सक्राइब करना है, क्या करना है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जो मेहनत की है। और कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये कितने की नोट छाप रही है यूट्यूब पे, 4K मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ भी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं मेरी। तो आप सब साथ दोगे तो पूरी होंगी, मगर काफ़ी लोग तो जेलस फील करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो चुपके चुपके वीडियो देखते हैं, मगर जो चाहते हैं कि कोई आगे ना बढ़े वो आपका साथ नहीं देते हैं। बहुत तो आपके अपने ही होते हैं, जानने वाले ही, आपके रिश्तेदार, कोई ऐसे लोग अपने होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं देखनी वीडियो ज़रूर है कि क्या चल रहा है, मगर लाइक तक नहीं करना है, उसको शेयर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जी, किसी की मेहनत का आप उसमें साथ दें, क्योंकि ये यूट्यूब पर ऐसा ही होता है कि अगर आप लोगों का साथ होगा तभी कुछ हो सकता है। तो चलो जी, ठीक है, फिर शाम को अगर कुछ अच्छा लगा तो व्लॉग बनाऊंगी मैं, तो आपको दिखाते हैं। आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको भी कुछ सीखने को मिले। बाहर अभी जाते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे बच्चों का होता है, कैसे कुछ भी, मतलब कुछ भी। मैं डेली लाइफ तो ऐसी मैं दिखाती नहीं हूँ कि जी हम खाना खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। डेली का तो क्या दिखाना है, बोर करना है। जब कुछ नया होता है, नई जगह आए हैं, आप भी हमारे साथ नई जगह देखें, घूमें, कुछ अच्छा लगे आपको भी, कभी जाना हो तो कुछ नॉलेज हो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, ज़्यादा दिमाग खा दिया आपका सबका।